इमारतों के जरिए हिंदुस्तान को खूबसूरत बनाने वाला कौन था? वो मुसलमान ही था। अल हिलाल और अल बलाद जैसी मशीनों के जरिए आजादी का सुर फूंकने वाला कौन था? वो मुसलमान ही था। वो कौन था जिसने अंग्रेजों को मुखातब करते हुए कहा था, गीदड़ की 100 वर्ष की जिंदगी से शेर की 1 दिन की जिंदगी बेहतर है। कौन था? वो मुसलमान ही था। लेकिन जब गुलिस्तान तक पहुंची जरूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। अब कहते हैं हमसे आज की इस तकाबुली नजमी की तादाद में मेरी तकरीर का आह्वान है योम आजादी। आज पूरे हिंदुस्तान में तमाम मदारिस में, तमाम मकातिब में, तमाम स्कूलों में, तमाम यूनिवर्सिटियों में और तमाम कॉलेजों में, गांव गांव में, बस्ती बस्ती में 15 अगस्त के मौके पर लोग खुशियां मना रहे हैं। हर जवान हो या बच्चा या बूढ़ा, हर एक शख्स खुशी में गा रहा है, सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, हम बुलबुले गए इसकी ये गुलसीता हमारा। क्यों ना खुशियां मनाए, जबकि एक वक्त का पूरा हिंदुस्तान गुलाम बना हुआ था। यहाँ के रहने वाले बाशिंदे जानवरों की तरह जिंदगी गुजारने पर मजबूर थे। ना इन्हें खाना नसीब था ना पानी, यहाँ तक के तमाम मुल्क से महरूम कर दिया गया। ना इन्हें घर नसीब था, ना रहने का ठिकाना, ना कपड़ा नसीब था, ना सर छुपाने के लिए छत थी, ना पैर फैलाने के लिए आंगन। वो सर जमीन जो एक वक्त गुले गुलजार होती, साहिब के गोरे और पाचिन के काले अंग्रेजों के हिंदुस्तान में दाखिल होने के बाद यहाँ की सरसब्ज और शादाबी वीरानी में तब्दील हो गई। यहाँ के खूबसूरत बागों में नहर सरकारी हो गई। फिर सबसे पहले दिल्ली के शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्ला के आले ने फतवा जारी किया कि अंग्रेजों से लड़ना मुसलमानों और हिंदुस्तान के बाशिंदों के लिए जरूरी है। फिर क्या था, सैयद अहमद शहीद, शाह इस्माइल शहीद और बाद के दौर में मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मुजद्दिद अल-फैसानी, मौलाना महमूदुर हसन देवबंदी, मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान से बाकी जैसे उलमा किराम आगे बढ़े और हिंदुस्तान से अंग्रेजों को निकालने पर मजबूर कर दिया, जिसकी खातिर 70,000 उलमा किराम ने दरख्त पर गर्दनें लटकवा दी और कह दिया, हमारी